हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सॉरी 2024 के लिए क्लास नाइन्थ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस रहेंगे। साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम हो रहा है, वीकली टेस्ट जो हो रहा है, सभी गवर्नमेंट स्कूल में जो वीकली टेस्ट हो रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अध्याय वन संख्या पद्धति जो चैप्टर है, गणित विषय गणित, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए। और हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर क्या होगा उसको जानेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक है 3, ऑप्शन बी है 10/√3, ऑप्शन सी है पाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कभी भी आप परिमेय संख्या पाई परिमेय संख्या नहीं होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और किसी संख्या में अगर रूट लगा हुआ तो वो तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रूट टू को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर रूट फोर ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं। रूट फोर बराबर 2 होता है, 2 एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जो रूट के अंदर है और बाहर नहीं निकले, जैसे आपका हो गया √2, √3, √5, ठीक है, √7, ओके। इस प्रकार के जो संख्या है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो हम लोग को पता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो कभी भी दो परिमेय संख्या मान लीजिए 3 और 3 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है 2/3 और 3/2, ये दोनों के दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। इसको जब गुना करेंगे 2 3 6, या 2 से 2 को काट दीजिए, 3 को 3 से काट दीजिए, 1 आ जाएगा। 1 क्या है, 1 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 किस प्रकार की संख्या है, 0 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, या परिमेय संख्या है। 0 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को पता होगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 जो है एक परिमेय संख्या है, 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका q जो है 0 के बराबर नहीं है, q के जगह पे 1 है, ठीक है। कभी भी कोई संख्या अगर ऐसे लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है तो इसके नीचे हमेशा 1 रहता है, ठीक है, परिमेय संख्या में हमेशा 1 रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या कैसे बनता है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, आपको ढूंढना है। सबसे पहले आप देख लीजिए 2π परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं, पाई तो अपरिमेय संख्या तो ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ 10/3, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या लीजिए, 10/3 है ना, तो नीचे वाला संख्या क्या है, 3 है, 3 को 3 से गुना कीजिए क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 को 4 से गुना कीजिए क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये जो ऊपर में 10 लिखा हुआ है 10/3, तो 10 जो है और 9 और 12 के बीच में है, तो हाँ है, तो बिल्कुल यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला को करके देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। अब 7 के संख्या से लिए, 7 को 3 से गुना कर देंगे, 7 या 21, फिर 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 को 28, 21 और 28 के बीच में 15 है, नहीं है, ठीक है। अगला संख्या देख लीजिए, अगला संख्या क्या है, 11/4, तो 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16, अब 12 और 16 के बीच में 11 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि क्या 64x = 8 है तो x का मान बताना है, 64
का पावर एक्स है और बराबर क्या है, आठ है, तो आपको एक्स का मान बताना है कि एक्स क्या है, एक्स क्या है। जब देखिए यहाँ पर बराबर क्या हो जा रहा है, बराबर क्या हो जा रहा है, आठ हो जा रहा है। तो जब बराबर आठ हो जा रहे तो मतलब यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए 64 का अगर हम लोग रूट करें, 64 को अगर रूट के अंदर लिखे, रूट अंडर 64, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर 8 हो जाएगा। और कभी भी रूट रहता है, रूट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जैसे 64 रूट को हम लोग 1/2 लिखते हैं, रूट का मतलब 1/2 पावर में दे देते हैं, घात उसका 1/2 हो जाता है, ठीक है। जैसे 3 का रूट लिखना है, रूट 3 लिखिए या वो 3 का पावर 1/2 लिख दीजिए, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो 1/2 जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्स के जगह पर क्या होगा, तो ऑप्शन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या कौन होता है, जो अपने और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना, अपने और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो अभाज्य संख्या में कौन हो जाएगा, ऑप्शन दो, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है, दो पूर्णांक लीजिए उसको गुना कीजिए हमेशा क्या होगा, दो पूर्णांक लीजिए उसको गुना कीजिएगा हमेशा क्या होगा। वो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक संख्या जाता है आपको मालूम है, आपको मालूम कि माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। अब दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, -3 × 3, ठीक है, -3 × 3 गुना करेंगे माइनस कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, -9 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो मतलब अगर दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं, ये PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ, ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई किस प्रकार की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, नहीं, पूर्ण संख्या है, नहीं, परिमेय संख्या है, नहीं, पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या ए तथा बी दोनों है, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे वास्तविक संख्या कैसे बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से, दोनों को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, दोनों को समूह जो मिला देंगे, जो समूह बनेगा, दोनों संख्या को मिलाकर जो समूह बनेगा उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। यहाँ देखिए 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, आपको बताना है, पाई तो नहीं होगा, पाई अपरिमेय संख्या है, √3 √3 भी अपरिमेय संख्या है। अब रह गया हमारे पास 2 5/3 और 5/2, ठीक है, तो करके देख लीजिए 5/2, तो अब ये 3 को लेंगे, 3 से गुना कर देंगे 2 को, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 × 3 = 9, मतलब 6 और 9 के बीच में 5 नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब देखिए इसको करके देख लेते हैं, 5/2, 5/2 को अगर 2 से हम लोग 2 को गुना करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 2 × 3 = 6 आ जाएगा, तो 4 और 6 के बीच में हमारा 5 है, मतलब ये हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 11 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 √3 2 − 3 2 − 3 लिखा हुआ है ना, 2 − 3 पावर में -3 बराबर क्या होगा बताना है आपको। तो अब जब -3 पावर में, माइनस मतलब लगना कि 1/2 हो गया है, अब इसका पावर 3 है, मतलब 1/2, अब 2 का घात 3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ 0 0 क्या है, परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई, ये तो गलत नहीं, ये इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं कैसे बोल देंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसका क्यू 0 के बराबर नहीं, 0 q की जगह पर 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किया है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम तरीका वही बताएं, 2 से 3 को गुना कीजिए, 3 × 2 = 6, और 2 से फिर 4 को गुना कीजिए, 4 × 2 = 8, 6 और 8 के बीच में ये आपका 3 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, 2 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 2 = 6, फिर 2 को 4 से गुना कीजिए, 4 × 2 = 8, 6 और 8 के बीच में 7 है, तो हाँ है, तो ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 4 और देख लीजिए, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, और 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 × 4 = 16, 12 और 16 के बीच में आपका 3 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9, और 3 × 4 = 12,
तो 9 और 12 के बीच में 4 है, तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा करके देख लीजिए, 36, ठीक है, और बाहर में क्या है, ये 36 है, बाहर में 100 है। यहाँ 0 दशमलव लिखें तो यहाँ 0 आ जाएगा, 100 से एक 3 बार में करेंगे तो 300, यहाँ पर घटाएंगे 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट है तो मतलब यहाँ पर एक 0 आएगा, फिर करेंगे तो 36, 0.36, ये क्या 0.36 आने के बाद पूरा पूरी कट जा रहा है, तो शांत हो जाएगा। ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 5+√5, 5-√5 किसके बराबर है। तो ये एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, a प्लस b बराबर क्या होता है, a² - b², ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 आ जाएगा, घटा दीजिए 20, आपका आंसर आ जाएगा 20, आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/√3 का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, 1/√2 का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, 1/√2 का परिमेयकरण करने के बाद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 है तो √2 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, हर वाला से गुना कर दिया जाता है, तो √2 से गुना करेंगे तो √2 ऊपर में हो जाएगा, और √2 ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, यहाँ से √2 का स्क्वायर होगा मतलब 2 आ जाएगा, तो √2/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 36 1/2, 1/2 मतलब रूट के अंदर है, 36 क्या है, 36 रूट के अंदर है, तो रूट 36 बराबर क्या होता है, 6 होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ 64 का 1/2 का मान होगा, मतलब 1/2 लगना मतलब रूट के अंदर है, 64 क्या है, रूट के अंदर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगर 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा है, 3 परिमेय संख्या है, 1/3 यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या, लेकिन √3 और पाई ये दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। आप दोनों अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, पाई को ही टिक कर दीजिए, सी को, दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 4 हो, पाई की जगह पर 4 हो, तो यहाँ पर √3 को हम लोग टिक करेंगे, या हो सकता है यहाँ पर ही √3 हो ही ना, ठीक है, कोई और संख्या रहेगा, ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा, कुछ चेंजेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के 2 अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 3+√3, 3-√3 बराबर है, किसके बराबर है, इसमें वही फॉर्मूला लगाइए, तो a² - b² कीजिए, तो ए के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस बी के जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 3 √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 7 का घात क्या है, 6/5, 7 का घात है 1/5, तो ऐसा जब क्वेश्चन रहता है तो a हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, तो यहाँ पर क्या कीजिए, 7 6/5 माइनस कर दीजिए, जब भाग में है दोनों तो माइनस कर दीजिए, जब गुना में रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा नीचे में, 6 - 6 - 1 तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 5/5, 6 7 = 5/5, ठीक है, 5/5 होगा मतलब 1 हो जाएगा, तो 7 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, लेकिन √2 लग गया मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या, तो जीरो। जैसे ही जीरो देखिए, जीरो के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं, लेकिन रूट टू लगा मतलब अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जीरो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। यहाँ पर हम आप लोग को बताए थे कि अगर भाग हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे घात को, लेकिन यहाँ पर ही क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/3 1 हो जाएगा। मतलब आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 2 का घात 1 है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 का घात 1 ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, 4/0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या बोलता है कि P/Q का रूप में होना चाहिए, लेकिन Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ Q जो है वो जीरो के बराबर है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, लेकिन 0/4 ये हो सकता है, क्योंकि ये P/Q के भी रूप में है, और यहाँ पर ये जो Q है, इसका Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं बल्कि 4 है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 26 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 को लीजिए 1 से गुना कीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, मतलब 2 और 4 के बीच कौन सा अंश मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको करके देखिए आप लोग, ये जो PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 लिखा हुआ है, 32 का घात 2/5 है, 2/5 है घात, मतलब क्या कीजिएगा आप, 2/5 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, 32 को लिखेंगे, ठीक है, 32 को लिखकर ये आपका मैथ का बुक में ये 1.4 में दिया भी गया है क्वेश्चन, तो इसको बनाने थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो, ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में बता देना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन शायद वही नहीं, दोनों क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, तो दोनों क्वेश्चन 28 नंबर और 29 नंबर आपको आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, 28 और 29 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें देखिए कौन अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ जीरो जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 30 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम के साथ वीकली टेस्ट वाला एग्ज़ाम जो है उसमें भी महत्वपूर्ण है, साथ में बोर्ड परीक्षा में भी ये सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपने सॉल्व करके देखिए आप कितना सॉल्व कर पाते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साथ में आपको दो बार बोल दिया मैंने तो, अच्छा कोई बात नहीं, साथ में आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर चल जाना है, वेबसाइट पर इसका सारे का आंसर दिया हुआ है, ठीक है।